मोहन सिंह जी और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे उमराव सिंह जी और तमाम पंचायत भर के पधारे हुए सभी मेहमानों और यहाँ का बहुत ही योग्य स्टाफ, माताओं बहनों और बच्चों, स्वतंत्रता दिवस जैसा बताया गया है अभी कि भारत की आज़ादी के उपलक्ष में मनाया जाने वाला ये हमारा सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। और गांव और शहर में यही फर्क है कि शहरों में इस प्रकार का जोश और जुनून नहीं होता है जिस प्रकार का मैं यहाँ देख रहा हूँ। खास करके लड़कियों में जो बालिकाएं हैं वो बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रही है। अभी तक जो प्रोग्राम हुए उसमें 100% लड़कियां ही अपनी प्रस्तुतिकरण कर रही है, इसलिए लड़कियों के लिए जोरदार तालियां बजा करके आपका स्वागत अभिनंदन करें, क्योंकि ये भारत का भविष्य है। और मगरा जो एक मार्शल क्षेत्र है और यहाँ के निवासियों ने कभी भी, चाहे वो मुगल रहे हो, मराठा रहे हो, अंग्रेज रहे हो, किसी की भी गुलामी स्वीकार नहीं की, हमेशा स्वतंत्र रहे हैं। और इन बच्चों के चेहरों पे भी वो चमक नजर आ रही है, यह भी आगे जाकर के भारतीय सेना में जाकर के देश की सुरक्षा करेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। यहाँ के राजू रावत, हम सब जानते हैं कि राजू और हालूडो दोनों अगा भाई रहे, ये हम होली के गीतों में भी सुनते हैं कि किस प्रकार से यहाँ के मगरे के निवासियों ने अपनी जमामर्दी, हिम्मत और बहादुरी से अंग्रेजों का मुकाबला किया और कभी परतंत्रता स्वीकार नहीं की। तो ऐसे क्षेत्र में आकर के आज मुझे बड़ा खेड़ा जैसे गांव में आकर के स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर यहां भाग लेने का अवसर मिल रहा है, तो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं। बड़ा खेड़ा इस समय बहुत बड़ा भाग लेकर के चल रहा है, यहाँ पर एक ही साथ में जैसा उमराव सिंह जी ने बताया बहुत सारी चीज़ें राज्य सरकार के द्वारा की गई है। राजकीय महाविद्यालय जो कभी सपना हुआ करता था, बड़े बड़े शहरों में ही नहीं होता था, लेकिन आज बड़ा खेड़ा में राजकीय महाविद्यालय है और यहाँ बालिका विद्यालय भी हो गया। और देखिए जन कल्याणकारी सरकारें, जैसा अभी संविधान की आपने शपथ दिलाई थी, जन कल्याणकारी सरकारों का यही उद्देश्य होता है कि जनता का कल्याण आखिरी हिस्से तक हो। और जो सरकारें आखिरी हिस्से तक जन कल्याण करती है वही वास्तव में लोकतंत्र की प्रतीक है, उसकी नुमाइंदगी करती है। बाकी तो राजतंत्र था और राजतंत्र का ही बिगड़ा हुआ स्वरूप लोकतंत्र। बहुत सारे लोग ऐसे नेता बन जाते हैं जो केवल अपना पेट या अपने परिवार का पेट पालते हैं, लेकिन लोक कल्याणकारी सरकार है वो होती है जो आखिरी हिस्से तक लोक कल्याण की भावना को लेकर पहुंचाती है। तो इस स्वरूप में आप सब बधाई के पात्र हैं और राजकीय महाविद्यालय बड़ा खेड़ा के प्रभारी के रूप में मुझे यहाँ काम करने का अवसर मिल रहा है। बहुत जल्दी ही 10-15 दिन के अंदर यहाँ पर आपका पूरा स्टाफ आ जाएगा विद्या संबल के अंतर्गत। कल ही एक ऑर्डर निकला है, 10-15 दिन के अंदर यहाँ सारी क्लासेज हो जाएंगी। मैं प्रतिपाल सिंह जी जो बहुत हमारे सहयोग भी कर रहे हैं, सरपंच साहब, उनसे अनुरोध करूंगा कि छोटी मोटी जो हमारी समस्याएं आती है जब तक स्थायी बिल्डिंग नहीं बन जाती आप उसमें हमारी मदद कराएंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।